हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जेलस क्लासेस। तो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि हम लोगों ने सभी चैप्टर कंप्लीट कर लिए, ठीक है, सभी टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम चाहते हैं डिस्काउंट बटा, ये भी एक तरफ से मानिए कि प्रॉफिट एंड लॉस का ही चैप्टर है। ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या होता है फ्रेंड कि देखिए जैसे आप दुकान पर जाते हैं तो बोलता है ना कि दो पर एक फ्री है, ठीक है, उसी के आधारित पर ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, कभी जाइएगा कोई साबुन या सर्फ लेने तो बोलेगा कि आपको 20 रुपये का लीजिएगा तो 5 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस टाइप का उस पर आधारित रहता है, यानी डिस्काउंट पढ़ाया जाता है, डिस्काउंट उस पर रहता है। ठीक है, 5% का, 10% का, उसी प्रकार का हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, कमेंट करना तो भूलिए मत कीजिए। ठीक है, देखिए इसको फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य 200 रुपया है, उस पर प्राइज लिखा रहता है, कोई भी आप सामान लीजिएगा उस पर प्राइज लिखा रहता है, 5 रुपये, 10 रुपये, वाटर गोल्ड लिया तो 5 रुपये लिखा रहता है। ठीक है, तो वही है अंकित मूल्य, उस पर 200 रुपये लिखा हुआ है, उसके बाद 10 रुपये बटा यानी कि उस पर 10 रुपये का डिस्काउंट कर रहा है। ठीक है, तो उसका जो क्रय मूल्य है वो पूछ रहा है, ठीक है, कि विक्रय मूल्य कितना बेचेगा, उसको कितना लाभ हो, कितना, ठीक है, कितना में बेचेगा। तो देखिए इसके लिए सिंपल है, क्या करना है, जैसे हम हर जैसे हम स्टार्ट किए आपको आई थिंक एलसीएम एचसीएफ से स्टार्ट किए हैं, तो वहाँ से जैसे हम पढ़ाते हैं आज तक वहीं उसी बेसिस पर हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या है, 10% बटा यानी 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट कितना मतलब हो जाएगा, यानी 10 बटा में 100 काट देंगे, 1 बटा में 10 हम लोग कैसे लिखते हैं, 10 के यहाँ पर डिस्काउंट है, बटा है। ठीक है, समझिएगा इसी को मेन समझना है, कितना बटा है, -1 तो 9। अब जो 200 है वो हमको दिया हुआ है 10 का वैल्यू हमको ऑलरेडी दे चुका है, बोला कि जो बाटा पर है उसका वैल्यू निकालना है, जो बाटा पर छूट दे रहा है उसके बाद कुछ कितना में वो बेचेगा। ठीक है, 10% छूट देने के बाद देखिए इसमें क्या है कि इसका वैल्यू हमको दे चुका है, कितना है देखिए, 10 बराबर है 200, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 200 बटा में 10, ठीक, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 1 का वैल्यू 20 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हमको इसका तो वैल्यू दे चुका है, तो इसमें हम लोग इसका 1 का वैल्यू निकालेंगे, तो हम लोग 20 का अगर गुणा कीजिएगा तो 200 आ जाएगा। ठीक है, जितना यहाँ पर आया है इतना हमको यहाँ पर गुणा कर देना है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0 9 2 18 180 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, तो आपको फाइनल आंसर आपको यही हो जाएगा, 180 रुपया में वो सामान क्या करेगा, वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, 10% डिस्काउंट देने के बाद उसको 180 रुपये में बेचेगा, ऐसे बेच रहा था, 200 उसका मूल्य प्राइस था जो कि अंकित था, प्रिंट था, प्रिंट प्राइस 200 था, लेकिन 10% का डिस्काउंट किया तो कितना में बेचेगा, 180 रुपये में बेचेगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक समझ गए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंखे पर कीमत 700 लिखी है, सर्दी के मौसम में छूट दी जाती है, तो उसे 625 रुपये में बेच देता है, 700 लिखा हुआ है, प्रिंट है, ठीक है, MRP है 700, 625 रुपये में उसे बेच देता है, तो बोला कि कितना परसेंट छूट दिया गया, कुछ छूट दिया गया क्योंकि 700 है उसे 75 रुपये कम करके 625 में बेच रहा है, तो कितना परसेंट छूट दिया गया। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, इसको हमको जो हमेशा करते हैं हम लोग उसी तरह करना है, 700 625 कितना का अंतर है, 75 रुपये छूट दे रहा है, 75 रुपये किस पे दे रहा है, तो 700 पर दे रहा है। ठीक है, तो 75 बटा में 700 गुणा 100, ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, बच गया कितना, 75 बटा में 7। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया, इसके बाद क्या होगा कि अब इसका जो कैलकुलेशन उसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 10.71% का छूट दिया, तो उसको 625 रुपये में बेच दिया। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही ट्रिकी है इस टाइप का मैथ, समझना है तो बेहतर है आप लोग चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी साड़ी पर अंकित मूल्य 200 है, ठीक है, कीमत पर 20% का छूट दे रहा है, ठीक, छूट देने के पश्चात भी उसको 16 रुपये का लाभ हो जा रहा है। ठीक है, तो परसेंटेज क्या पूछ रहा है कि उसका फाइनल परसेंटेज क्या है, कितना परसेंट वो बेचता है उसको लाभ ना होता। ठीक है, देखिए अभी आप भी मार्केट जाइएगा तो
कोई कपड़ा लीजिएगा तो उस पर प्रिंट रहता है कितना में देंगे, फिर बोलता है कि हम आपको 25% 20% डिस्काउंट कर देंगे। तो वही बात है यहाँ पर, ठीक है, वो डिस्काउंट करके भी कमा लेता है। वही पूछ रहे हैं कितना कमाता है, कितना परसेंट कमा लिया। देखिए इसमें क्या है, 5 20%, 20% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/5, ठीक है होगा। तो देखिए 200 का हम लोग 20% कितना हो जाएगा, 200 का 20%, ठीक है, यानी कि 40 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब दिया हमको 200, ठीक है, देखिए 200 माइनस 40 कर देंगे कितना हो जाएगा, 160, एक्चुअल वैल्यू 160 आ गया, ठीक है, 200 पर हमको जो कि 20% का छूट है तो 160 रुपये आ गया। अब बोला कि 16 रुपये का लाभ भी हो जा रहा है, तो 160 में हम लाभ हो रहा है तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपको, हमको तो इसमें हो जाएगा आपको 10 में 6 गया 4 और ये 5 4 144 देगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब देखिए जो बोल रहा है कि 16 रुपये का लाभ हो रहा है तो किस पे हो रहा है, 144 पे हो रहा है, ठीक, 16 144। अब परसेंटेज पूछ रहा है निकालने के लिए, कितना हो जाएगा, 100 इसमें काट देंगे 9 बार में, कट जाएगा 16 9 44 से, अब बच गया क्या, ऊपर में 100 बच गया 9, ठीक है, कितना हो जाएगा बता सकते हैं, देखिए 11 9 99 और 100/9, ठीक है, इतना परसेंट आपको होगा, प्रतिशत लाभ इतना ही आएगा, ठीक है, इतना परसेंट लाभ लेता तो आपको कोई दिक्कत, 16 रुपये का उसको लाभ नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए, आपका फाइनल आंसर है, बहुत ही ईजी है बनाना, हमको बताने में इतना टाइम लग जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका एक और है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे।